ऑल राइट गाइस, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉयड सेवन के प्ले में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 6 की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में। आखिरकार क्या है, कब आएगी GTA 6, अगर वो जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। ऑफिशियल डेट नहीं है, मतलब कि रॉकस्टार ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि आखिरकार GTA 6 रिलीज डेट कब होगी। लेकिन हम थोड़ा अपना दिमाग लगाए तो हम ये देख सकते हैं कि रॉकस्टार ने अभी पिछले साल 2018 के एंड में अक्टूबर में एक गेम लॉन्च किया, उस गेम का नाम है रेड डेड 2, ठीक है। और इसका अगर हम कॉस्ट निकाले, इस पे कितना खर्चा हुआ, तो वो तकरीबन है $625 मिलियन। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इन्होंने अब तक जो रिकवर किए हैं पैसे, वो हैं तकरीबन $725 मिलियन। तो अभी तक 100 से 150 मिलियन US डॉलर इन्होंने अपने पूरे किए हैं। और अभी तक इन्होंने कोई ज़्यादा पैसे ज़्यादा रिकवर भी नहीं किए। तो हो सकता है कि इस गेम के एक साल होने के बाद, एक साल मतलब दो साल होने के बाद GTA 6 के हमें ऑफिशियल रिलीज डेट देखने को मिले। लेकिन अगर हम अपने दिमाग से सोचें, थोड़ा हम आइडिया लगाएं, थोड़ा हम मैथ्स लगाएं और बाद में अगर डेट निकालने की कोशिश करें, तो वो एक ही डेट मेरे दिमाग में आती है, वो है तकरीबन नवंबर की एंड में 2020 की। हो सकता है कि नवंबर से पहले भी ये लॉन्च हो सकती है, क्योंकि इसका जो मेन प्रॉब्लम ये है कि GTA 6 जो बनाई जाएगी वो हाई एंड ग्राफिक्स के लिए बनाई जाएगी, मतलब अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स हो सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं। चाहे हो सकता है कि अगर GTA 6 अगर अगले साल लॉन्च भी कर दे तो कोई लेने के उसके काबिल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए मान लो कि ग्राफिक्स कार्ड बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, तो हर बंदा तो हाई रिक्वायरमेंट मतलब RTX ग्राफिक्स कार्ड तो परचेस नहीं कर सकता ना। इसलिए हो सकता है कि रॉकस्टार ये वेट कर रही हो कि कब PlayStation 5 और Xbox Scarlett लॉन्च होंगे। अगर हम PlayStation 5 की रिलीज डेट चेक करें तो वो निकल के आती है नवंबर 2020 में। और Xbox Scarlett की जो रिलीज डेट है, वो भी नवंबर 2020 ही है। तो आखिरकार इन्होंने नवंबर ही क्यों चुना? देखिए, जो भी गेमिंग कंसोल होता है वो नवंबर के एंडिंग में ही लॉन्च होता है। इसका रीज़न ये है कि जो नवंबर के बाद दिसंबर आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉलीडे होते हैं और क्रिसमस आने वाला होता है, इसलिए उस टाइम पे बिक्री बढ़ जाती है। और इसी का फ़ायदा हो सकता है कि रॉकस्टार कंपनी लेना चाहती हो, क्योंकि रॉकस्टार ये चाहती होगी कि दिसंबर के एंडिंग तक जब एक्सबॉक्स और जो प्लेस्टेशन 5 है जो न्यू आने वाले वो लॉन्च हो जाए, तो उन कंसोल के लिए हम अपनी गेम रिलीज़ कर दें। लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो मई के 2020 में रिलीज़ हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, मई 2020 में रिलीज़ ही नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ना तो पोस्टर रिलीज हुआ है, ना ही रॉकस्टार के किसी ने ये कहा है कि हम इस महीने में जाके इसका पोस्टर रिलीज़ करेंगे या ट्रेलर रिलीज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर GTA 6 अगर लॉन्च भी होने वाली होगी तो उसके 3 से 4 महीने पहले तो उसका ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा,
ट्रेलर भी लॉन्च होगा। अब यहाँ पे GTA 6 को हो ना हो PlayStation 4 और PlayStation 5 के लिए लॉन्च की जाएगी। हो सकता है PlayStation 4 के लिए ना भी की जाए, लेकिन PlayStation 5 के लिए तो कन्फर्म है, क्योंकि जो PlayStation 5 है वो नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल, मतलब कि बहुत ही पावरफुल गेमिंग कंसोल है, जिसके अंदर आप अल्ट्रा रियलिस्टिक में गेम खेल सकते हैं, जिसकी प्राइस हो सकती है 60,000 या उससे ज़्यादा अराउंड जा भी सकती है। और यही जो गेमिंग कंसोल है वो हमें सस्ता, मतलब कि लो कॉस्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसी गेमिंग कंसोल के रिक्वायरमेंट को हम पीसी में डालें तो पीसी तो 1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा, और पीसी और 1.5 लाख के ऊपर का पीसी किसी के पास होता है? कोई, किसी के पास भी नहीं होता। तो हर बंदा जो गेमर होता है उसके पास 1.5 लाख का पीसी नहीं होता, और वो GTA 6 नहीं परचेस कर सकता। इसलिए रॉकस्टार इन सारी चीज़ों को देख, हो सकता है कि ऑब्जर्व कर रही है कि जब GTA जो एक्सबॉक्स और जो PlayStation 5 है वो रिलीज़ हो जाए, उसके बाद हम अपनी डेट कंफर्म करें, क्योंकि उसी के लिए तो गेम बनाई जाएगी। क्योंकि GTA 6 फिर से PlayStation 4 के लिए बना दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि बाद में तो तुरंत जो PlayStation 5 आ जाएगा तो फिर से उसे मॉडिफाई करके बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो PlayStation 5 और Xbox Scarlett लॉन्च होगा तभी उसकी डेट कंफर्म हो सकती है। हो सकता है कि अगर ये डेट कंफर्म हो Xbox Scarlett की और PlayStation 5 की, ये ऑफिशियल डेट है, इसमें कंफर्म की गई है, तो अगर ये डेट कंफर्म है तो जो एक्सबॉक्स या रॉकस्टार के जो डेवलपर है वो हो सकते हैं वो आपको जो नवंबर के 2 महीने पहले इसका डेटा दे दे कि हम इस महीने के आखिर में या इस साल के अंदर इस गेम को लॉन्च करने वाले हैं। तो हमें तो 2020 का एंड का ही वेट करना पड़ेगा, तभी हमें जाके पता चलेगा कि कौन सी गेम लॉन्च होने वाली है, कब लॉन्च करेगा, कि अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि GTA 6 रिलीज हो, ना ही मई में ना ही अप्रैल में। अगर लॉन्च होगी तो मेरे हिसाब से, अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और एक डेट निकाली है, वो डेट यही है कि दिसंबर और अप्रैल, जो 2020 की दिसंबर और अप्रैल महीना होता है 2021 का, उन दोनों के बीच कि जो जितने महीने उनके महीने के अंदर ये गेम लॉन्च होगी। अगर नवंबर, जो ये तभी डेट कंफर्म हो सकती है जब PlayStation 5 के लॉन्च होने के 1 महीने पहले अगर रॉकस्टार हमें ये कह दे कि हम गेम लॉन्च करने वाले हैं, तभी, क्योंकि ऑफिशियली अभी किसी को नहीं पता कि GTA 6 बन भी रही है या उस पर काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये तभी पॉसिबल है ये कि जब एक्सबॉक्स और PlayStation 5 रिलीज डेट से 1 महीने या उसके 1 हफ्ते पहले अगर हमें ये डेट मिल, कंफर्मेशन मिल जाता है कि GTA 6 हम लॉन्च करेंगे, तभी ये डेट ऑफिशियली पॉसिबल है कि अप्रैल में, क्योंकि हमें पता है कि अप्रैल में जो है वो समर वैकेशन शुरू हो जाते हैं, बाद में बहुत सारा वैकेशन, और दिसंबर के अंदर तो क्रिसमस आने वाते हैं, बहुत सारे हॉलीडे होते हैं, और तभी ये इस गेम की भी बिक्री ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो GTA 6 है उसकी कॉस्ट मुझे लगती है बहुत ज़्यादा होगी, उसका प्रोजेक्ट पर ज़्यादा पैसे हो सकता है कि दी जाए, क्योंकि जो रेड डेड है उसकी तकरीबन कॉस्ट 625 मिलियन US डॉलर थी, तो इसकी हो सकती है उससे भी ज़्यादा हो, और इस पर प्रोजेक्ट पे काफ़ी सालों से उस पर काम करना शुरू भी हो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होने, लेकिन अभी तक रॉकस्टार ने ये कुछ कहा नहीं। तो ऑफिशियल डेट अगर एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन 5 के रिलीज डेट से पहले अगर हमें मिल जाती है, अगर कह देते हैं कि हम GTA 6 को लॉन्च करेंगे, तो वो 2021 के पहले लॉन्च हो जाएगी। अगर 2020 में भी लॉन्च नहीं होती तो 2021 के एंड में लॉन्च होगी, तब तो फिर हमें 2021 के दिसंबर की जो क्रिसमस आती है उसका वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यही लगता है कि नवंबर 2020 और अप्रैल मई 2021 के बीच की ही डेट होगी, तभी GTA 6 लॉन्च होगी, क्योंकि तभी तक PlayStation 5 और Xbox कंप्लीट लॉन्च हो जाएंगे, और यही डेट थी जो मैं आपको बताना चाहता था। हो सकता है कि मेरा प्रिडिक्शन गलत हो, लेकिन हम देखते हैं कि ये मेरा प्रिडिक्शन कितना सच होता है 2021 और 2020 के बीच में लॉन्च होती है कि नहीं होती। ये डेट तो मुझे लगता है कि 60% सच हो सकती है ये डेट नवंबर 2020 और अप्रैल की 2021।
तो बस यही डेट थी जो मैं बताना चाहता था। अभी तक तो एक रॉकस्टार ने ये कंफर्मेशन नहीं की कि हम गेम को लॉन्च करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मई के अंदर लॉन्च होगी, लेकिन वो कोई डेट कंफर्मेशन नहीं है। और मुझे लगता है तब तक नवंबर और अप्रैल के बीच में लॉन्च हो जाएगी 2021 की। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर न्यू गेम चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि GTA 5 एंड्रॉयड पे प्ले हो सकती है नहीं हो सकती, उसके रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई न्यू गेम प्ले चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना सकूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू, गुड बाय।